ठंड बहुत है इंदर जी, ठंड से ना मेरा मूंगफलियाँ, गच्चक, अंडे, इस तरह दी गरम गरम चीज़ें खाने में बहुत जी करता। बट हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ी है जिस पर मैंने पता लग गया है कि फूड एलर्जी कारण ब्रिटेन में 2 बच्चों की मौत हो गई है। सो ये जोड़ी खबर है इन्हें मैनू तो बहुत चौंका देता है कि वाकई अजिहे फूड आइटम्स नाल एलर्जी कारण भी इन्ने खतरनाक रिजल्ट्स आ सकते हैं। बिल्कुल तायरा, ये जोड़े 2 बच्चों की मौत हुई है ये मूंगफली ते तिल खान कारण हुई है। तो सिर्फ मूंगफली नहीं है जिस करके सानू डरन की लोड़ है, इस तो अलावा भी होर कई फूड आइटम्स ने जिमें दुध हो गए, आंडे हो गए, या बादाम कह लो, अखरोट कह लो, मच्छी खाने असी नॉन वेज दे विच, तां इन्हां चीज़ां दे करके भी जो है काफ़ी एलर्जी अजकल वध रही है। पर अजे क्यों हो रहा है? तो एलर्जी का बेसिक जोड़ा रीज़न है जरा कि जिम्मे कहें ना हर चीज़ के पिछले एक कारण होंगे, वो की कारण है? बिल्कुल, एलर्जी जो होंगी है ना वो एक सबस्टैंस है एलर्जन, जिस करके एलर्जी जो है अजकल बढ़ रही है खाने के विच, खास करके खाने तो बच्चों नू हो रही है। तो ये जी स्टडी सामने आई है वो हालांकि पछमी देशों की है, पर हर किसी इस बारे जरूर सोचना चाहिए कि असी खा की रहे हैं। तो जो कारण होर भी ने कि साढ़े रहन सहन के बहुत बदलाव है, एनवायरमेंट के असी एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उन्होंने चीज़ों करके भी एलर्जी जो है काफ़ी अजकल बढ़ रही है। सो ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है जिमें कि लाइफ स्टाइल डिजीज होंगे ने, ये सोल्यूशनस की ने कि इस तो बचा जा सकता है किसी तरह? बिकॉज एलर्जी टेस्ट वगैरह होंगे ने सब तो पहला जो थोड़ा लगता है, एंड सोल्यूशन तो पहला ये सिम्पटम्स की होंगे ने? बिकॉज अक्सर असं कहने कि साडा शरीर लाल हो गया या दाने पै गए, इस तो अलावा की सिम्पटम्स होंगे ने? बिल्कुल, कई बार साड़ी चमड़ी जो है लाल रंग की होने लग जाती है, तो कई बार जो है सोज आनी शुरू हो जाती है, तो उल्टियाँ भी लग जाने ने, दस्त भी होंगी है, ये सब होवे तो सानू जरूर जो इस करके सुचेत हो जाना चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर को जरूर जाना चाहिए, तो उत्थे तुहानू जरूर पता लगेगा इसका कारण की है। अच्छा, सो सोल्यूशन इसका की है? बिल्कुल, सोल्यूशन तो पहला ये जानना जरूरी है कि तुहानू एलर्जी किस खाने तो हो रही है, तो उसके लिए तुहानू खून जाँच जो है वो जरूर करवानी पेगी। इस तो इलावा जो है जो तुहानू पता लग जाए तो पक्का इलाज तो इसका कुछ भी नहीं है, डॉक्टर दवाइयाँ जरूर देंगे पर उस खाने तो जरूर दूर रहो। तो इस तो इलावा जो है विटामिन डी की बहुत ज़्यादा लोड़ है तायरा, जो कि अजकल असी घर के बह जाने या धुप नहीं सेकते, तो जो विटामिन डी है वो एलर्जी के नाल लड़न में बहुत मददगार साबित होता है, इसलिए जरूरी है। इस तो इलावा मैं एक होर भी गल दसदा, जो एलर्जी टेस्ट है उस कारण कुछ बच्चों बिकॉज एक पदार्थ उन्होंने खवाया जाता है, जरूरी है कि डॉक्टर ही कर रहे हो टेस्ट, पर कई बार उल्टा भी पै सकता है, बिकॉज जे बाई चांस उन्होंने उस चीज़ से एलर्जी है तो वो घातक भी हो सकता है, तो जो भी करो बहुत सोच समझ के करने की लोड़ है। बिल्कुल, तो इस तो इलावा होर भी जिवें प्रदूषण है साडे एनवायरमेंट दे विच, या फिर खाण पीन बदला कर लिए, तो असी कई बार जो होंगे एनवायरमेंट दे फ्रेंडली नहीं होंगे, तो वो भी चीज़ा करके जो है सानू एलर्जी हो जाती है। तो सब तो जिमें कि मेरे ख्याल प्रवासियों लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि प्रवासी तो जाते हैं बाहर, नवे लोग, नवा एनवायरमेंट, नवा देश, तो उन्होंने भी ये हो सकता है, पर घबराने की लोड़ नहीं है बिकॉज हर चीज़ का एक सोल्यूशन है। बिल्कुल, इलाज संभव है, तो उसके लिए सानू खुद ही काम करना पड़ेगा, जेडे खाने तो एलर्जी है उससे दूर रहो, ये सब तो बड़ा सोल्यूशन है। तो विटामिन डी, सन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अज ये वीडियो तुहाडे लई असी शूट कीता तां जो ये जिहड़ा मुद्दा, जिहड़ा पछमी देशों का मुद्दा, फिलहाल भारत में अजिहे इन्ने केस सामने नहीं आए, पर फिर भी लोड़ है सावधानी बरतन की लोड़ है, तो जो असी सावधान रहांगे तो साड़ी सेहत ते ही वधिया रहेगा। सो होर देश दुनिया दी खबरां लई तुसी जरूर साड़ी वैबसाइट bbc.com/punjabi ते जुड़ो, तो साड़े जिहड़े प्लेटफॉर्म्स ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, उन्हां ते भी साड़े नाल जरूर जुड़ो।